this is essentially a game, very simple, which is called Truth or Dare. Truth or Dare. एक पर्ची आप, एक पर्ची आप. Let's begin. Okay. पढ़ के आप सुनाएंगी मरियम. क्या है क्या ये? बकरे के साथ सेल्फी पोस्ट करें ऑन इंस्टाग्राम. ठीक है, बकरा लाइएगा भाईजान. हो जाए जी, हो जाए मरियम, हो जाए. ये मरियम के लिए भी तालियां और बकरे के लिए भी तालियां. आ जाओ, आओ पिक्चर खींचे. वो डर रहा है मुझसे, ये मार तो नहीं देगा मुझे. नहीं नहीं, आओ पिक्चर खींचे. ये देखो, ये क्या है? ये देखो, हेलो, हाय. ये देखो, हेलो. थोड़ी देर में तुम जिबा होने वाले हो यार, आप बहुत खराब. वेल डन मरियम जी, थैंक यू, थैंक यू. भट साहब आपकी बारी. ओके. कोई ऐसा सीक्रेट जो आपके पार्टनर को भी अभी तक नहीं पता. ओ अभी हमें कैसे पता चलेगा? ये कोई ऐसी बात बताएंगे ना. मतलब है कि कोई ऐसी बात जो कि मेरी बेगम को नहीं अभी तक पता. हाँ बड़ी बातें हैं ऐसी. मसलन मसलन एक दफा ये लंदन में हुआ था मेरे साथ और मेरी बेगम को वाकई नहीं पता. एक बंदे ने मुझे कहा कि मेरे से लैपटॉप ले लो. मतलब वो मतलब सड़क पे ही खड़ा था, तो मैं उस टाइम पे नया नया मुझे शौक हुआ कि बंदे ने ना मुझे कहा कि जी मेरे पास नया लैपटॉप है. उसने गाड़ी शाड़ी पे मुझे चेक कराया. हाँ. और मुझे कहता है सिर्फ 50 pounds के अंदर ये तोशीबा का ब्रांड न्यू लैपटॉप. मैंने कहा अच्छा जी, वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात था. नहीं नहीं गोरा था. ठीक है. मैंने कहा ओके डन डन, ये वो दिस एंड दैट. उसने ना ट्रिक मेरे साथ क्या की, उसने ना कहा कि मैं तुम्हें ये ब्लैक बैग के अंदर लैपटॉप डाल के दे रहा हूँ और ये सारा कुछ सील करके. उसने ना मुझे यूं करके बैग दिया और मैंने उसे बैग लिया और मैं आराम से ना यूं करके अपने अपार्टमेंट की तरफ गया हूँ कि यार कहीं देखना लेके आई हूँ कोई चोरी का लैपटॉप हो. मैं जाके जब खोला तो उसके अंदर माल्टे थे. तो मैंने 50 pounds के माल्टे लिए थे. उसने बड़ी क्लेवरली उसने बैग जब निकाला ना तो उसके अंदर लैपटॉप नहीं था. तो उसने बड़ा क्लेवरली कहा कि भैया इसके अंदर लैपटॉप है. और आई वाज लाइक तो ये मेरी बेगम को भी नहीं आता पता. चलो मेरे साथ ये हुआ. आप कर देंगी, खैर है. अब बढ़ गया ना, पाउंड ज्यादा हो गया. जी जी. मरियम आपकी बारी. मरियम ने बड़े देख के उठाई है. यूं करके कोई ऐसी पाकिस्तानी मूवी जो देखने के बाद लगा पैसे वेस्ट हो गए, ऐसी तो बड़ी है. मसलन मसलन यार वो कौन सी थी, टॉयलेट वाली? टॉयलेट द कमोड फिल्म दैट वी मेड फहद मुस्तफा की थी. नामालूम अफराद 2 पहली वाली. नहीं नहीं, कमोड वाली 2 नहीं थी, पहली वाली भी तो कमोड वाली थी ना. अच्छा पहली आई डिडंट लाइक, जिसमें जलाओ घिराओ बहुत ज्यादा हो रहा था वो. अच्छा वो कायद आजम जिंदाबाद. नहीं, नामालूम अफराद थी. नामालूम अफराद. या आई डिडंट लाइक इट. You didn't like the original one? I didn't like the original one. Okay. People think, people didn't like the second one. Yeah. I didn't like the pehli wali bhi. Okay. Bank bank jo jalane ka aur wo sara. Haan, but I clearly remember not liking it. Varna to guzar hi jati hai. Okay. Oh, sing a Pakistani song. Oh, ho, ho. So, oh, yeah, dekhe, mic bhi rakha tha. Aap baat nahi maan rahe the, usne parchi pe likhwa ke le aaya. Ab to gana hi padega. Okay, ji. ये गाना मैं डेडिकेट करता हूँ वारिस बेग साहब को. ओके. और आपको जी शुक्रिया. आ प्यार दिल में जगा. आहा. आ प्यार दिल में जगा. आ धड़कनों में समा. कसम मेरी जाना, आके न फिर दूर जाना. Come close to me you darling, come don't go anywhere my love. You don't know how much I have wanted your caressness. यार वेल डन, वाह वाह, जबरदस्त यार. बात बकरे को घर भेज दे. नहीं क्यों, नहीं क्यों जाएगा, बकरे की कढ़ाई जाएगी घर. आपकी बारी अगली. नहीं नहीं सर, हम क्यों बल्ली चढ़े जा रहे हैं? अच्छा पिंक निकाला, इसको पता था कौन सा.
बकरे को प्रपोज करें यार, मैं अच्छा लगूंगा बकरे को. That would be मैं अच्छा लगूंगा. सर ये तो आप करना पड़ेगा. मैं अच्छा लगूंगा बकरे. अच्छा आपने बकरे को प्रपोज करना है, प्रपोज बकरे को आपने प्रपोज करना है, लेकिन आपने बकरे को प्रपोज करना है इमरान अशरफ की स्टाइल. मैं कैसे कर सकता हूँ यार. सर आपको अच्छी तरह पता है आप इमरान अशरफ के बड़े अच्छे ड्रामे देखते हैं. चले शाबाश चले. ये है भी वो बकरी मेरा ख्याल है. कब से पहले ही ना है मुझे लग रहा है. कब से कब से कब से मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, मेरा दिल है तुम्हारे पास यार. तुम क्यों नहीं समझ रही हो. कब समझोगी तुम, कब 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 तुम मेरे प्यार का प्यार से जवाब दोगी. तुम मेरे प्यार का प्यार से जवाब क्यों नहीं दे रही हो यार. मान गए, मान गए, रिएक्शन दे दिया. क्या यार ये इमरान अशरफ ही आ गए. मान गए. वाह वाह वाह. अच्छा बड़ी स्टडी की है आपने. किसको? इमरान को. सर ड्रामे इतने देखते हैं क्या करें. जी मरियम आपकी बारी. बस ना. क्यों? बस ये लास्ट आ गए. ये लास्ट मेरा और ये लास्ट आपका. स्पीच ऑन एक्टर्स नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर. आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट दिस. ओके किसको देनी है स्पीच? एक्टर्स को देनी है या जस्ट जेनेरिक? जब जेनेरिक. सो सबसे पहली बात तो ये कि वंस यू साइन अ प्रोजेक्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि आपने स्क्रिप्ट पढ़ी है, आपको पता है कि वो कैरेक्टर कैसा है. हर रोज़ हर दिन फसाद बनाना सेट के ऊपर कि ये मैं नहीं करूँगा, ये मैं नहीं करूँगी, भाई आप डायरेक्टर के साथ पहले बैठ जाएं, बाकी सबका भी आपने टाइम वेस्ट करना है करके. सेकेंडली आई फील लाइक कि एक तो टाइम पे ना आना इज़ कंसिडर्ड एज समथिंग दैट ओ आई एम लाइक यू ऑल आर लाइक ओ यू सिविलियंस मैं बहुत लाइक कोई हॉट शॉट. नो दैट्स इट्स अनप्रोफेशनलिज्म. इट्स वेरी अनप्रोफेशनल एंड इट्स एन इंसल्ट टू योर एंटायर टीम. एग्जैक्टली. एंड यू नो इट डजंट मेक यू एनी बेटर. इट डजंट मेक यू अ बेटर पर्सन. इट डजंट मेक यू अ बेटर एक्टर. आप मैं बहुत अंग्रेजी हो गया ये तो. नहीं अच्छी बात है. बल्कि मैंने अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन साहब ने एक पोस्ट लगाया हुआ था कि वो शूटिंग पे जा रहे थे, उनकी गाड़ी ख़राब हो गई, तो उन्होंने बाइक पे बैठ के एक रैंडम बंदे के साथ बैठ के उन्होंने उसका थैंक्स किया कि थैंक यू फॉर टेकिंग मी टू वर्क. एक बंदा अमिताभ बच्चन से तो नहीं आप बड़े हो सकते ना. अगर वो बंदा टाइम के लिए किसी से टैक्सी पे लिफ्ट मांग के काम पे पहुँच सकता है तो यू नेवर बिगर देन यू. उसमें बच्चन साहब को क्रिटिसाइज भी लोगों ने फिर करना शुरू. जो मर्जी करें सर, मगर हेलमेट नहीं पहनी थी. जो काम का पक्का है ना, जो काम का पक्का है यार. उनके बाल बने हुए थे. आई मीन मतलब नहीं तो नहीं होगा उनके पास हेलमेट. जो बंदा जा रहा होगा उसके पास नहीं होगी दूसरी हेलमेट. अच्छा जी मेरी वो है कि कभी आस्तीन का सांप पाला, किसी क्लोज फ्रेंड ने धोखा दिया. खलील रहमान कमर साहब ने नहीं लिखा सवाल, पता लग रहा है किसी ने बड़ा कोई अंदर कट के लिखा यार. देखिए इंडस्ट्री के अंदर ऑब्वियस बात है ऐसी बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं व्हेन यू डोंट गेट अलोंग विद समवन. लेकिन आई थिंक कि मैं इस चीज़ में काफ़ी लकी रहा हूँ कि जिन लोगों के साथ मैंने काम शुरू किया मैं अभी तक उनके साथ मेरा अच्छा है. हाँ ये है कि मैंने अब दोस्त कम बनाए. ठीक है. आई लर्न दिस इंडस्ट्री में कि काम वाले जो दोस्त होते हैं वो काम तक ही रहते हैं. इट्स इंटायरली अप टू यू कि आप किससे एफर्ट करके रिश्ते बनाएं. और इस इंडस्ट्री में वाकई ही जितने रिश्ते कम हों उतने ही बेहतर हैं.